कथा सागर, कथा सागर, कथा सागर, कथा सागर, कथा सागर, कथा सागर। कथा सागर, कथा सागर। बंदौ श्री गणेश को मां शारदा प्रणाम, श्री महेश के संग उमा पूर्ण करो सब। बोलो ओ नमः शिवाय, 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 बोलो ओ नमः शिवाय। कथा सुनाते हैं तुमको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव भोले भगवान जी, शिव भोले भगवान जी। कथा सुनाते हैं तुमको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव भोले भगवान जी, शिव भोले भगवान जी। प्रिय भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सृष्टि के रचयिता हैं श्री ब्रह्मा जी, सृष्टि के पालनहार हैं विष्णु जी, और मोक्ष के दाता हैं भगवान महादेव। भगवान शंकर जो बड़े ही भोले हैं, जो बड़ी जल्द अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, एक पल के लिए भी जो भोले का ध्यान करता है उसकी सभी मनोकामनाएं प्रभु पूर्ण करते हैं। भोले बाबा कैसी कैसी लीलाएं रचकर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, ऐसी ही एक कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। शंकर भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाने वाली एक पुजारिन हुई है जिसका नाम है रानी चांगुणा। ये कथा स्कंद पुराण से ली गई है। तो भक्तों, आइए बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनिए। तो आइए एक बार प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय। कथा सुनाते हैं तुमको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव भोले भगवान जी, शिव भोले भगवान जी। एक बार मुनिवर नारद जी पहुंच गए शिवलोक में, पहुंच गए शिवलोक में, शिव के साथ उमा बैठी थी, सुंदर था संयोग ये, सुंदर था संयोग ये। नारद जी को आया देखकर देवी पार्वती ने नारद जी से पूछा कि हे मुनिवर, इस समय तीनों लोकों में भगवान भोले शंकर का सबसे सच्चा और परम भक्त कौन है? मां पार्वती ने मन में सोचा कि नारद जी उन्हीं का नाम लेकर कहेंगे कि हे माते, आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन नारद जी बोले,
नारद बोले जय बम भोले भोलेनाथ 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 नारद बोले जय बम भोले जय हो उमा भवानी की धरती पर चांगुणा रानी जय बोल रही शिवदानी की जय बोल रही शिवदानी की राजा रानी दोनों जग में शिव के भक्त महान री सबसे बड़े भक्त में गिनती है चांगुणा श्रियाल की है चांगुणा श्रियाल की नारद जी ने माँ पार्वती से कहा हे भवानी इस समय संसार में कांति नगर की रानी चांगुणा शिव की सबसे बड़ी भक्त है अतिथि सत्कार दीन दुखियों की सेवा और द्वार पर आए भिक्षुक को मन चाही भिक्षा देना ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानती है ऐसी है रानी चांगुणा ये बातें सुनकर पार्वती जी शिव भगवान से बोली शिव को देख उमा जी बोली चलो जगत में नाथ चले चलो जगत में नाथ चले कौन है प्रभु की भक्त चांगुणा जग में चलकर उसे मिले जग में चलकर उसे मिले भोले मन में मुस्काए भोले नाथ भोले नाथ भोले नाथ पर उमा सकी ना जान चले उमा पति धरती पर भगवान जी धरती पर भगवान जी आहा हा हा प्रभु की लीला तो देखिए पार्वती जी के कहने पर भगवान शंकर जो जग के पालनहार हैं वे स्वयं अपने भक्त को मिलने चल पड़े हैं पार्वती जी अदृश्य रूप में उनके साथ हैं भगवान शंकर ने एक योगी भिक्षुक का रूप धारण करके नगर में प्रवेश किया और आवाज लगाने लगे अलक निरंजन भिक्षाम देही आवाज सुनकर राजमहल के आसपास बसे सभी लोग भिक्षुक को भिक्षा देने लगे रानी चांगुणा भी आवाज सुनकर हाथों में भिक्षा का थाल लिए हुए महल के द्वार पर आई और भिक्षुक की ओर भिक्षा का थाल बढ़ाया भिक्षा देने लगी चांगुणा जोगी ने इनकार किया जोगी ने इनकार किया सबसे भिक्षा ली किंतु इस भिक्षा का प्रतिकार किया क्यों भिक्षा का प्रतिकार किया लेकिन ये क्या भिक्षुक ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया चांगुणा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अपना अपमान महसूस करने लगी अपमानित हो गई चांगुणा भोलेनाथ 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 अपमानित हो गई चांगुणा भरी आई आंखें उसकी सबका दान ले रहे हो क्यों मेरा दान न लोगे जी क्यों मेरा दान न लोगे जी इस भिक्षा में कमी है क्या क्यों ठुकराते हो दान जी ऐसा क्या अपराध हो गया क्यों रूठे श्रीमान जी क्यों रूठे श्रीमान जी भक्तों चांगुणा के पूछने पर जोगी ने कहा मैं ये दान नहीं ले सकता क्योंकि तुम निसंतान हो और एक निसंतान से दान लेना मेरे लिए पाप हो जाएगा
ये बात सुनकर रानी चांगुणा की आंखों में आंसू आ गए। बोली बोली रानी हे बाबा संतान विधाता देता है, संतान विधाता देता है, इसमें मेरा दोष है क्या? ये तो कर्मों का लेखा है, ये तो कर्मों का लेखा है। अपने कर्मों से हारी हूँ। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, अपने कर्मों से हारी हूँ, बांझिन हूँ, निर्वंशिन हूँ। भोले बाबा दया करें, मैं उनकी एक पुजारिन हूँ, मैं उनकी एक पुजारिन हूँ। भोले बाबा जब चाहेंगे देंगे तब संतान भी। तुम तो मान करो बाबा, क्यों करते हो अपमान जी, क्यों करते हो अपमान जी। चांगुणा की आंखों में आंसू थे। चांगुणा की बातें जोगी के हृदय पर पहाड़ की तरह टूट रही थी। चांगुणा के आंसू देखकर भगवान विचलित हो गए। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शंकर को अपने भक्त के सामने झुकना पड़ा। कहिए भोलेनाथ बाबा की। अपनी झोली फैलाकर वो चांगुणा से कहने लगे, तेरे जैसी भक्तन शिव की मैंने देखी नहीं कभी, मैंने देखी नहीं कभी। मैं प्रसन्न हो गया तुझसे, तू दे भिक्षा दान अभी, आते दे भिक्षा दान अभी। भोले तेरा भला करे, भोले ना जग में एक मिसाल बने। ले ये फल प्रसाद रूप में, जा तुझको एक लाल मिले, जा तुझको एक लाल मिले। खुश हो गई चांगुणा, उसने दिया खुशी से दान जी। भक्त प्रेम के आगे देखो हारे शिव भगवान जी, हारे शिव भगवान जी। धन्य है प्रभु भक्तों, इसे ही कहते हैं प्रभु की कृपा। प्रभु के हाथों से फल रूपी प्रसाद पाकर चांगुणा के जीवन में बहार आ गई। चांगुणा गर्भवती हुई, पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। वक्त बीतने लगा, रानी अपने आने वाले बालक की कल्पना में खो जाती है। झूम रही खुशियों में रानी, सोच रही अपने मन में, सोच रही अपने मन में, गोद हमारी भर जाएगी, लाल हंसेगा जीवन में, लाल हंसेगा जीवन में। मुन्ना कुलदीपक है मेरा, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। मुन्ना कुलदीपक है मेरा, उजियारा है जीवन में, गूंजेगी किलकारी घर में, मुन्ना खेले आंगन में, मुन्ना खेले आंगन में। पढ़ लिख कर विद्वान बनेगा मुन्ना मेरा प्राण री, भक्ति सिखलाऊंगी उसको शिव भोले भगवान की, मैं शिव भोले भगवान की। भक्तों इस तरह समय बीतने लगा। 9 माह 9 दिन के बाद वो शुभ घड़ी आ गई। शिव जी की कृपा से चांगुणा ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म देकर मां बनने का सौभाग्य प्राप्त किया।
भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। सारा नगर खुशियों से झूम उठा, खुशियां मनाते हुए रानी चांगुणा को उस जोगी बाबा की याद आने लगी। मन में सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भोले मेरे भगवान स्वयं मेरे द्वार पर भिक्षुक के रूप में आए हों और ये प्रसाद देखकर गए हों। अपने भोले बाबा का मन ही मन धन्यवाद करती है। राजा रानी ने नगर वासियों के साथ मिलकर बच्चे का जन्म उत्सव मनाया। पंडित जनों को भोजन कराया गया। राजा ने शुभ मुहूर्त देखकर बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया। बच्चे का नाम रखा गया चिल्ल्या। भोले शंकर की माया कितनी अपरंपार है भक्तों, बोलिए उमापति महादेव की जय। खुशियों के दिन लगे बीतने जग में राजा रानी के, जग में राजा रानी के। बालक बड़ा हो रहा था जय जय गूंजे शिवदानी के, जय जय गूंजे शिवदानी के। चिल्ल्या बालक 5 साल का भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। चिल्ल्या बालक 5 साल का सुंदर चंचल लाल हुआ। सारे सुख सारी खुशियों से बचपन बहुत निहाल हुआ, बचपन बहुत निहाल हुआ। माँ कहती है पुत्र कृपा तू है शंकर भगवान की। चिल्ल्या करने लगा भक्ति माँ के संग शिव भगवान की, माँ के संग शिव भगवान की। नन्हा सा चिल्ल्या माता पिता के प्यार और अच्छे संस्कारों को पाकर बड़ा हो रहा है। माता पिता की तरह वो भी शिव भक्ति में लीन रहने लगा है। बोलिए भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। उधर एक बार फिर मुनि नारद जब भ्रमण करते हुए शिव धाम पहुंचे तो देखा नारद खड़े द्वार पर देखे भोले उमा भवानी को, भोले उमा भवानी को। चरण दबाते देख उमा को हर्ष हुआ मुनि ज्ञानी को, हर्ष हुआ मुनि ज्ञानी को। गिरिजापति गिरीश की जय हो भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। गिरिजापति गिरीश की जय हो। नारद ने जयकार किया, मुनि को देख उमा जी बोली मुनि प्रणाम स्वीकार किया, मुनि प्रणाम स्वीकार किया। नारद जी को देखकर मां पार्वती के मन में फिर से शंका जागी कि अब कौन सी आग लगाने वाली बात लेकर नारद जी आए हैं। मां पार्वती ने नारद जी से पूछा कहिए मुनिवर अब संसार में कौन शिव का सबसे बड़ा भक्त है। इस बार मां पार्वती को पूर्ण विश्वास था, नारद जी ने स्वयं देखा है कि मैं प्रभु सेवा में कितनी लीन हूं। अब तो निश्चित है नारद जी मेरा ही नाम लेकर कहेंगे माते आप ही सृष्टि में सबसे बड़ी शिव भक्त हैं। लेकिन नारद बोले हे भवानी मानो या ना मानो आज भी रानी चांगुणा ही सबसे बड़ी शिव भक्त हैं। जब से उसे शिव जी की कृपा से
संतान प्राप्ति हुई है, उसकी भक्ति, उसकी आस्था और भी दुनी हो गई है। सुन के मुनि की बात भवानी, चिढ़ गई वो अपने मन में, चिढ़ गई वो अपने मन में। बड़ी ईर्ष्या हुई उमा को, ऐसा क्या उस भक्तन में, ऐसा क्या उस भक्तन में। भक्तों, माँ पार्वती शंकर भगवान से कहती है, हे नाथ, आज इस बात का फैसला हो जाए कि आपकी सबसे परम भक्त कौन है। आज आप ये परीक्षा ले ही ली। शंकर भगवान जो सब कुछ जानते हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। उनकी व्यंग भरी मुस्कान देखकर माँ पार्वती और भी चिढ़ जाती हैं, वे रूठ कर बैठ जाती हैं। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्त्री हट के आगे किसी की एक नहीं चलती, यहां भी स्त्री हट के आगे भगवान शिव को विवश होना पड़ता है। एक काले कलूटे औघड़ का रूप धारण कर वे चांगुड़ा की परीक्षा लेने कांति नगर की ओर चल पड़ते हैं। सभी भक्त प्रेम से बोलिए, बाबा भोलेनाथ की जय। रूप का रूप कलूटा काला, बनके औघड़ शिवदानी, बनके औघड़ शिवदानी। पार्वती के हट पर आए, धरती पर अंतरयामी, धरती पर अंतरयामी। अलख जगाया औघड़ ने, बम बम भोले, 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 बम बम भोले। अलख जगाया औघड़ ने, बोला जय शंकर बम भोले। सत्य न डिगे धर्म ना डूबे, तुम पर खुश हो शिव भोले, तुम पर खुश हो शिव भोले। मन इच्छित भोजन करवा दे, तू शिव भक्त महान दी। वर्षों से औघड़ भूखा है, अतिथिक भगवान री, अतिथिक भगवान री। भक्तों, औघड़ की आवाज सुनकर राजा रानी दोनों महल से बाहर आते हैं और उस औघड़ बाबा को ले जाकर सिंहासन पर बिठाते हैं। स्वयं राजा उस जोगी के चरणों में बैठ जाते हैं। रानी सोने का थाल और स्वर्ण कलश में जल लेकर आती हैं और औघड़ के चरण राजा रानी दोनों बड़ी श्रद्धा के साथ धोते हैं। रानी चांगुणा औघड़ बाबा के लिए बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन मंगाती है और कहती है, औघड़ बाबा आइए, पधारिए और ये भोजन ग्रहण कीजिए। औघड़ बाबा उस भोजन को खाने से मना कर देते हैं। रानी चांगुणा मन में सोचती है, शायद भोजन में कुछ कमी रह गई होगी, मैं स्वयं रसोई घर में जाती हूँ और अपने हाथों से औघड़ बाबा के लिए खाना बनाकर लाती हूँ। रानी गई रसोई घर में, भोजन स्वयं बना लाई, भोजन स्वयं बना लाई। कई थालियां कई तरह के भोजन उनमें ले आई, भोजन उनमें ले आई। 56 व्यंजन स्वाद भरे, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। 56 व्यंजन स्वाद भरे लेकर आई पकवान जी, हाथ जोड़ कर बोली चांगुणा, अब खाओ भगवान जी, अब खाओ भगवान जी। औघड़ ने उस भोजन को भी खाने से मना कर दिया। बोले, चांगुणा, मैं शाकाहारी भोजन नहीं करता, मैं अघोर पंथी हूं,
मांसाहारी भोजन ही करता हूँ। यदि तुम मांसाहारी भोजन करवा सकती हो तो कहो, वरना मैं जा रहा हूँ। औघड़ की बात सुनकर राजा और रानी दोनों मुस्कुराए और बोले, हम सब शिव के भक्त हैं बाबा, भरा हुआ भंडार है ये, भरा हुआ भंडार है ये। इतनी छोटी बात की चिंता करते हो बेकार है ये, करते हो बेकार है ये। शेर बाघ चीता मरवाओ, भोले नाथ भोले नाथ भोले नाथ, भोले नाथ भोले नाथ भोले नाथ। शेर बाघ चीता मरवाओ, मृग का हर लूं प्राण जी, हारिल हंस कबूतर सारस बनवाओ श्रीमान जी, बनवाओ श्रीमान जी। भक्तों, राजा रानी की बातें सुनकर औघड़ बाबा बोले, हे चांगुणा, मुझे पहले वचन दे, फिर मैं अपनी पसंद बताता हूं। चांगुणा ने बाबा को वचन दिया। औघड़ बाबा वचन लेकर मुस्कुराए और कहने लगे, पशु पंछी जंगली जीवों का मांस मैं नहीं हूँ खाता, मांस मैं नहीं हूँ खाता। मांस मनुष्यों का अच्छा हो वही मेरे मन को भाता, वही मेरे मन को भाता। मुझे खिला सकते हो तो भोले नाथ भोले नाथ भोले नाथ, मुझे खिला सकते हो तो तुम मानव मांस खिलाओ जी, किंतु शर्त एक मेरी सुन लो, मत गरीब मरवाओ जी, मत गरीब मरवाओ जी। सैनिक बल से हरण करो ना, किसी को दो धन दान जी, ऐसा मांस नहीं खाऊंगा ये भी तुम लो जान जी, ये भी तुम लो जान जी। भक्तों, राजा रानी औघड़ की बात सुनकर हैरानी में आ गए। उन्होंने विचार किया और औघड़ से बोले, आप औघड़ साधु होकर मांस की मांग कर रहे हैं, वो भी नरक का मांस, ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। औघड़ को ये बात सुनकर क्रोध आ गया और बोले, तुम्हारी शिव भक्ति क्या सिर्फ दिखाने के लिए है? तुमने मन इच्छित भोजन करवाने का संकल्प किया, ये क्या सब ढोंग है? यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं भूखा वापिस चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बरसों की तपस्या नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा ये यश और कीर्ति सब समाप्त हो जाएगा। औघड़ रूठ कर जाने लगे। राजा और रानी ने दौड़कर बाबा के पांव पकड़ लिए। राजा बोले, महाराज ठहरिए, आपका इस तरह रूठ कर जाना ठीक नहीं, आपकी जो भी इच्छा है उसे पूरा किया जाएगा, इसके लिए मैं स्वयं को समर्पित करता हूं। स्वयं समर्पित हूँ भगवान में, मांस आप मेरा खाएं, मांस आप मेरा खाएं। मन इच्छित भोजन को पाएं, भूख शांत करके जाएं, भूख शांत करके जाएं। ऐसा नहीं हुआ जीवन में, भोले नाथ भोले नाथ भोले नाथ, ऐसा नहीं हुआ जीवन में भूखा कोई भी जाए। प्रभुवर मैं तो धन्य हुआ, ये जीवन आज काम आए, ये जीवन आज काम आए। अपने सत्य धर्म को मैं ना होने दूं बदनाम जी।
बचे धर्म ईमान जी, बचे धर्म ईमान जी। भक्तों, राजा की ये बातें सुनकर औघड़ बोले, हे राजन, तुम प्रजा के पालक हो, तुम्हारे न रहने से राज्य का संचालन कौन करेगा? यदि राजा नहीं होगा तो प्रजा को कौन देखेगा? इसलिए तुम्हारा मांस खाना उचित न होगा। ये बात सुनकर राजा चिंतित हो उठे। चांगुणा राजा को चिंता में देखती है तो औघड़ से कहती है, राजा का जीवित रहना जनता के लिए जरूरी है, जनता के लिए जरूरी है। राजा का मरना ठीक नहीं, वो जीवित रहे जरूरी है, वो जीवित रहे जरूरी है। लेकिन राज्य बिना रानी के चलता है ये जग। स्वीकार करो बाबा जी ये अनुरोध, आप माने ये अनुरोध, आप माने। आप मांस मेरा खाएं, मैं सेवा में श्रीमान जी। जीवन होगा धन्य मेरा, अब कहना लो ये मान जी, अब कहना लो ये मान जी। रानी की बात सुनकर औघड़ बोले, हे रानी, मैं नारी का मांस नहीं खाता, क्योंकि वो तो जननी है, और मैं जननी का मांस कैसे खा सकता हूँ? तो चांगुणा कहती है, प्रभु, आप मेरा मांस भी नहीं खाना चाहते और मन इच्छित भोजन भी चाहते हैं, ये तो बड़ी विकट समस्या है। इस समस्या का समाधान कैसे होगा? आप ही इसका कोई रास्ता बताइए। औघड़ मुस्कुराए, बोले, चांगुणा, तुम्हारी इस समस्या का हल है मेरे पास। चांगुणा ने पूछा, वो क्या है महाराज? तो औघड़ बोले, वो लाल तेरा जो नौनिहाल, जिसके अंगूरी गाल लाल, जिसके अंगूरी गाल लाल, फूलों जैसा जो कोमल है, नन्हे नन्हे हैं हाथ लाल, नन्हे नन्हे हैं हाथ लाल। तू मिल हो जाए छूने से, जिसका सुंदर तन है लाल, जिसके तन में हर नस नस में लहू बहे है लाल लाल, लहू बहे है लाल लाल। तेरा चिल्लिया चंचल बालक, तेरा जीवन प्राण दी, मांस खिला दे उस बालक का, खुश होगा मेहमान री, खुश होगा मेहमान री। चांगुणा, तेरे चिल्लिया का मांस बड़ा मुलायम और स्वादिष्ट होगा, यदि तू मुझे उसका मांस खिला दे तो मेरी भूख शांत हो जाएगी, और तेरा मन इच्छित भोजन करवाने का जो संकल्प है वो भी पूरा हो जाएगा। औघड़ की बात सुनकर मानो चांगुणा के तो प्राण ही निकल गए। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। रानी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मन ही मन भोलेनाथ से कहती है, क्या इसी दिन के लिए मैंने इतनी भक्ति की? क्या इसी दिन के लिए मुझे ये पुत्र मिला है? हे भोलेनाथ, ये क्या मांग लिया साधु महाराज ने? ये शब्द सुनने से पहले, हे प्रभु, मैं मर क्यों नहीं गई? भोलेनाथ, भोलेनाथ। लगे पांव हिलने रानी के, आंसू आए आंखों में, आंसू आए आंखों में। आने लगे याद बीते दिन, तूफान था हर सांसों में,
तूफान था हर सांसों में। चांगुड़ा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, एक तरफ औघड़ का हट, एक तरफ पुत्र मो, एक एक करके चांगुड़ा को अपने बीते दिन याद आने लगे। सुनी थी जब कोखिये में लोग मुझे बांझन कहते, पापिन कहती थी ये दुनिया अपने निर्वंशिन कहते, अपने निर्वंशिन कहते, कान पक गए ताने सुन के। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, कान पक गए ताने सुन के, झड़ी लगी अपमान की, आंखों में आंसू होते थे, होठों पर मुस्कान थी, होठों पर मुस्कान थी। भक्तों, ये बातें याद करते हुए चांगुड़ा औघड़ से कहती है, हे बाबा, जिस पुत्र को मैंने इतने लाड प्यार से पाला है, जिसे कभी मैंने धूप भी नहीं लगने दी, अपने उस लाल को जो हमारे कुल का दीपक है, जो मेरे जीवन का सहारा है, जो मेरी आंखों का तारा है, आज उसी कलेजे के टुकड़े को मैं कैसे मार सकती हूं। रानी की बातें सुनकर औघड़ को क्रोध आ गया और वे उठकर जाने लगते हैं। चांगुड़ा अपने मन की पीड़ा को दबाते हुए औघड़ बाबा से कहती है, रुकिए, ठहरिए महाराज, और वो बाहर गई। चिल्लिया को ढूंढ कर ले आती है, जो आंगन में अपने साथियों के साथ खेल रहा था। औघड़ के हाथों में चिल्लिया को सौंपते हुए चांगुड़ा कहती है, महाराज, इसे आप ले जाइए, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि मेरी आंखों के सामने इसे कुछ नहीं करेंगे। औघड़ गुस्से में आ गए और कहने लगे, औघड़ बोला, इसको लेकर किस जंगल में जाऊंगा, किस जंगल में जाऊंगा, मैं जंगल का पशु नहीं जो कच्चा मांस चबाऊंगा, कच्चा मांस चबाऊंगा। ले जा अपना बेटा रानी, इसके 100 टुकड़े कर दे, विधिवत मांस पका तू इसका, फिर थाली में भोजन दे, फिर थाली में भोजन दे। खातिर करना सीख चांगुड़ा, घर आए मेहमान की, कैसी शिव भक्तन है तू, कैसा तेरा भगवान री, कैसा तेरा भगवान री। जा ले जा अपने बेटे को, और खुद अपने हाथों से इसे काट कर अच्छी तरह से पका और थाली में सजा कर मुझे लाके दे। बस इतना सुनना था कि चांगुड़ा का रंग तो नीला पड़ गया, वो पत्थर सी हो गई। देर होते देख औघड़ फिर चिल्लाया, हे चांगुड़ा, क्या तू अपने दिए हुए वचन को भूल गई है? अब मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें ऐसा शाप दूंगा, तुम्हारा ये सारा कुल नष्ट हो जाएगा। शाप की बात सुनकर चांगुड़ा बिलख पड़ी, पलक झपकते ही उसकी आंखों के आंसू सूख गए, उसकी ममता पत्थर हो गई। उसने चिल्लिया का हाथ पकड़ा और रसोई घर की ओर ले जाती है। एक कसाई किसी बकरे को
कसाई घर में ले जाता हो। मासूम सा चिल्लिया सहमा सा डरा सा अपनी माँ को देखता रह गया। माँ ने चिल्लिया को एक झटके से पाटे पर लिटा दिया और खंजर उसकी गर्दन पर रख दिया। नन्हा सा चिल्लिया ये सब देखकर घबरा गया, गिड़गिड़ाते हुए अपने हाथ जोड़कर माँ से कहने लगा, मत मारो माँ मुझे इस तरह, मैं तो लाल तुम्हारा हूँ। तुम ही कहा करती थी माँ जीवन में एक सहारा हूँ, जीवन में एक सहारा हूँ, मुझे गोद में लेकर माँ, मेरी माँ मुझे गोद में लेकर माँ तुम आंचल में खिलाती थी, चूम चूम कर मुखड़ा मेरा कितना खुश हो जाती थी, कितना खुश हो जाती थी। मुझे छोड़ दो करवाऊंगा तीर्थ चारों धाम री, दया करो मेरी माँ मुझ पर, तू तो बड़ी महान री, तू तो बड़ी महान री। भक्तों, मासूम सा चिल्लिया अपनी माँ से कहता जा रहा है, हे माँ अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर दे, हे माँ मैं फिर से कोई गलती नहीं करूंगा। चिल्लिया विनती कर रहा है लेकिन चांगुड़ा विवश थी, उसने चिल्लिया की ओर छलकती आंखों से देखा और अपनी विवशता उसे बताती है, मेरे लाल कोई भी माँ क्यों काटेगी अपना बेटा, मेरे कलेजे का तू टुकड़ा, तू है जीवन धन बेटा। मैं कितनी बेबस हूँ चिल्लिया, मेरे लाल मेरे लाल मेरे लाल मेरे लाल मेरे लाल मेरे लाल। मैं कितनी बेबस हूँ चिल्लिया, कैसे तुझको बतलाऊं, औघड़ का कहना है तेरा, मांस उसे मैं खिलवाऊं, मांस उसे मैं खिलवाऊं, इधर मोह है उधर धर्म है, आगे है ईमान री। चिल्लिया बोला काट मुझे तब, क्यों रोती नादान सी, क्यों रोती नादान सी। तो भक्तों, चांगुड़ा ने जब चिल्लिया को सारी बातें बताई तो चिल्लिया माँ का हौसला बढ़ाता है और कहता है के माँ इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या बात हो सकती है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ माँ, मेरा ये शरीर तेरे काम आ रहा है, धन्य हो गया मेरा जीवन और धन्य हो गई तेरी कोख। चिल्लिया माँ को दिलासा देते हुए कहता है के माँ तू क्यों चिंता करती है, मैं भोले बाबा से प्रार्थना करूंगा कि फिर से तेरी कोख से जन्म लूं। अब इस शुभ कार्य में देर न करो माँ, मैं तैयार हूं, ले काट मुझे और मेरा मांस साधु बाबा को खिलाकर अपना धर्म निभा। वचन की याद आते ही चांगुणा का पुत्र के प्रति मोह पत्थर हो गया, उसे कुछ होश न रहा कि वो क्या करने जा रही है। देखते ही देखते उसने चिल्लिया का सर धड़ से अलग कर दिया। हाय रे विधाता, ये तेरा कैसा खेल है, इसे देखकर तो पत्थर का कलेजा भी कांप जाए।
जिस बेटे को इतनी मन्नतें मानकर पाया था, उसी कलेजे के टुकड़े को अपने हाथों से माँ ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। धड़ से सिर को अलग किया, फिर हाथों की बारी आई। चिल्लिया का तन उछल पड़ा, तब सारी धरती थर्राई, तब सारी धरती थर्राई। चिल्लिया की नन्ही सी उंगली तड़प उठी, मछली जैसे काट रही थी बेटे को। हाथों में एक खंजर चमके, हाथों में एक खंजर चमके। दिल को अलग किया सीने से, गिरी पेट से यात्री। खंजर चला कलेजे पर, वो बन गई एक हैवान सी, बन गई एक हैवान सी। ये कैसी भाग्य की विडंबना है भक्तों। अभी कुछ समय पहले जो एक नन्हे से बालक की मां थी, वही इस समय एक हैवान बन गई थी। चांगुड़ा ने चिल्लिया के शरीर के सारे टुकड़े इकट्ठे किए और उन्हें खौलते हुए पानी में डालकर पकाने लगी। चिल्लिया का मांस पकाकर थाली में परोसकर चांगुड़ा औघड़ के पास आती है और निवेदन करती है, महाराज भोजन ग्रहण कीजिए। औघड़ ने भोजन की ओर देखा और थाली को गुस्से में आकर एक तरफ सरका दिया और चिल्लाए, चांगुड़ा ये भोजन है या कूड़ा? औघड़ को गुस्से में आता देख रानी घबरा गई और पूछने लगी, बाबा अब क्या भूल हो गई है मुझसे? तो बाबा बोले, सिर का मांस कहां थाली में, भोजन अभी अधूरा है, भोजन अभी अधूरा है। स्वाद है जिसमें वो तो घर में, ये भोजन तो कूड़ा है, ये भोजन तो कूड़ा है। तू उल्टा कपटी नारी है, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। उल्टा कपटी नारी है, तेरी नीयत साफ नहीं, नहीं पता था मेरे संग में कर जाएगी घात कहीं, कर जाएगी घात कहीं। मन चाहा भोजन क्या देगी, तू तो है बेईमान री, करती है अपमान चांगुणा, घर आए मेहमान की, घर आए मेहमान की। चांगुड़ा इसमें सिर का मांस क्यों नहीं है? तूने उसका सिर कहां छुपा के रखा है? सिर का मांस ही तो सर्वोत्तम भोजन है, जिसमें पांच आवश्यक अंग हैं, जिन्हें आंख नाक कान मुंह और मस्तिष्क कहते हैं। ये पांचों अंग यदि भोजन में नहीं तो मेरे लिए ये भोजन बेकार है। चांगुड़ा ने डरते डरते कहा, महाराज मां की ममता अंधी होती है। ये जानते हुए कि चिल्लिया अब इस संसार में नहीं, उसी ममता के वश में आकर मैंने उसको रसोई में छुपा कर रख दिया था कि रोज उसके चेहरे को देखकर अपने मन को तसल्ली दे लूंगी। लेकिन आप नाराज ना हो, मैं उसका सिर भी लेकर आती हूं। औघड़ बोले, चांगुड़ा मेरी बात को ध्यान से सुन, मेरी आंखों के सामने अब तू चिल्लिया का सिर ओखल में डालकर उसे कूटेगी, और ध्यान रहे उसे कूटते हुए तेरी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, और ऐसा करते हुए तू मंगल गीत गाएगी। भक्तों, चांगुड़ा चिल्लिया को कूटते हुए
ये गीत गाती है। चिल्ला तू कैलाश जा रहा पार्वती के आंचल में, तुझे दुलार मिले मैया का, रहना शिव के चरणन में, रहना शिव के चरणन में, माँ के ऋण से मुक्त हो गया मेरे ला। ऋण से मुक्त हो गया अब मेरा क्या नाता रे, याद रहेगा बेटा तुझको, माने तुझको काटा रे, माने तुझको काटा रे, रो भी ना पाऊं मैं तुझ पे, गाऊं मंगल गान री, मत कहना भोले से जाकर माँ होती भगवान री, माँ होती भगवान री। चांगुड़ा सिर का मांस पकाकर फिर से थाली परोसकर औघड़ बाबा के लिए ले आती है। औघड़ ने फिर से क्रोध में आकर चांगुड़ा से कहा, अरे ओ मूर्ख, तुझे अतिथि सत्कार का तरीका भी नहीं मालूम, क्या इसे मैं अकेले खाऊंगा, तुम लोग भी मेरे साथ मिलकर ये भोजन खाओगे। ये सुनकर चांगुड़ा फूट फूट कर रोने लगी, सन्नाटे में आ गई चांगुड़ा, औघड़ से कहने लगी, महाराज जिस बच्चे को 9 महीने मैंने पेट में रखा उसी बच्चे का मांस खाने के लिए आप मुझे बाध्य कर रहे हैं, ये कैसे संभव होगा। औघड़ फिर से क्रोध में आ गए और उठकर जाने लगते हैं। राजा और रानी फिर से बाबा के पांव पकड़ लेते हैं और कहते हैं, रूठो मत महाराज नाथ, भूखा ना यूं जाने दूंगा, जैसा आप कहेंगे स्वामी वैसा ही होने दूंगा, वैसा ही होने दूंगा। राजा रानी सोचते हैं, यदि बाबा का कहना नहीं माना तो बेटे का जो ये बलिदान है वो व्यर्थ चला जाएगा, हम दोनों तरफ से पाप के भागी होंगे, अच्छा होगा हम लोग औघड़ की बात मान लें। औघड़ कहते हैं, तो जाओ 3 थालियां और परोस के ले आओ। रानी रसोई घर में गई और 3 थालियों में मांस परोस कर ले आई। औघड़ के साथ राजा श्रियाल और रानी चांगुड़ा भोजन करने बैठ गए। तो चांगुड़ा ने पूछा, महाराज ये 4थी थाली किसके लिए है। महाराज ये 4थी थाली किसके लिए मंगाए हैं, हम तो 3 आदमी हैं, क्या 4था कोई बुलाए हैं, क्या 4था कोई बुलाए हैं। चांगुड़ा की बात सुनकर औघड़ बोले, 4थी थाली चिल्ल्या की है, बुलवा अपने बेटे को, बुलवा अपने बेटे को, वो भी भोजन साथ करेगा, तब खाएंगे भोजन को, तब खाएंगे भोजन को। औघड़ की बात सुनकर रानी घबरा गई, वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मन ही मन सोचती है, हो ना हो औघड़ कोई पागल है। औघड़ से कहती है, महाराज चिल्ल्या का मांस आपकी थाली में है, मरने के बाद भी क्या कोई वापस आता है। औघड़ फिर हट करता है और कहता है कि तू चिल्ल्या को बुला, चांगुड़ा बच्चे को काटते समय यदि तेरे मन में शिव के प्रति विश्वास रहा होगा, सच्ची भक्ति रही होगी,
तो चिल्ला तेरी आवाज सुनकर अवश्य आएगा। चांगुड़ा को फिर से औघड़ के हट के सामने झुकना पड़ता है। वो उठकर द्वार पर जाती है और चिल्ला को बुलाती है, चिल्ला चिल्ला मेरे लाल तू कहाँ है। इतने में चांगुड़ा क्या देखती है कि चिल्ला माँ पार्वती का हाथ पकड़े उसी की ओर आ रहा है। दौड़कर चिल्ला माँ की छाती से लग जाता है। चांगुड़ा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। माँ की ममता बिफर उठी, बेटे को बार बार चूमती है, बार बार सीने से लगाती है। इतने में क्या देखती है, औघड़ बाबा वहां नहीं है। उनके स्थान पर साक्षात भगवान शंकर खड़े हैं। भगवान शंकर और माँ पार्वती को देखकर राजा और रानी आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु के दर्शन पाकर वो धन्य धन्य हो गए। भाव विभोर होकर राजा और रानी दोनों प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गए। माँ पार्वती चांगुड़ा को अखंड सौभाग्यवती होने का वर देते हुए बोली, देखी तेरी श्रद्धा भक्तन, देख लिया विश्वास रे, देख लिया विश्वास रे, तुझसे बढ़कर शिव की भक्तन नहीं है जग में आज रे, नहीं है जग में आज रे, तेरे आगे मेरी भक्ति शिव की माया हार गई, चल तू अब शिव लोक चांगुड़ा, भव बंधन से पार हुई, भव बंधन से पार हुई, राजपाट चिल्ला को दे तू चल मेरे शिव धाम री, रानी चांगुड़ा शिव भक्तन का दुनिया लेगी नाम री, दुनिया लेगी नाम री। भक्तों, भोले बाबा ने स्वयं अपने हाथों से चिल्ला का राज तिलक किया। धरती पर चांगुड़ा की शिव भक्ति, त्याग और बलिदान देखकर सारा देवलोक प्रसन्न हो गया। करुणा सागर भोले शंकर की अपनी परम भक्त चांगुड़ा पर कृपा हुई। भगवान शिव राजा श्रेयाल और रानी चांगुड़ा को अपने साथ लेकर पुष्प विमान में बिठाकर शिवलोक की ओर चल दिए। ये देख सभी देवी देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। भक्ति कथा चांगुड़ा की एक श्रद्धा है विश्वास है, श्रद्धा है विश्वास है, शिव जीवन में उनको मिलते जिनको शिव प्रयास है, जिनको शिव प्रयास है, शिव की कृपा मिलेगी उनको। भोलेनाथ 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 शिव की कृपा मिलेगी उनको, कथा सुने जो ध्यान से, भक्ति भाव से मिले प्रभु, नहीं मिलते हैं वो ज्ञान से, नहीं मिलते हैं वो ज्ञान से, धन वैभव यश मिले कीर्ति जग में हो सम्मान जी, शिव भक्ति में रानी चांगुड़ा जग में हुई महान जी, जग में हुई महान जी। भक्तों, ये कथा आस्था और विश्वास की है। इस प्रकार के त्याग और बलिदान कभी हुआ करते थे, आज के युग में इसकी आवश्यकता नहीं है। आज यदि सच्चे मन से प्रभु को पल भर भी याद किया जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। स्वयं तुलसीदास जी ने मानस में ये बात कही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, प्रभु की कथा का कोई अंत नहीं है, प्रभु तो स्वयं अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता,
भक्तों, ये कथा सुनाते हुए यदि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें।